अभी हमारे सम में सम नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। सम नंबर 15 में इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह दिया गया है, 5 कार्ड्स, 10 जैक क्वीन किंग एस ऑफ अ डायमंड। खाली डायमंड के 5 कार्ड्स हमें सिलेक्ट करना है, डायमंड सूट के 5 कार्ड्स। तो आप बोलोगे सर ये बाकी जो दिए हुए वो तो ये हमारे काम का नहीं है, हमारे लिए ये भी काम का नहीं है, ये सब में ये भी काम का नहीं है, इसमें से नहीं काम का है। आप बोलोगे सर ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। आप बोलोगे सर खाली 5 कार्ड दिखने चाहिए, कौन से? एस, 10 जैक क्वीन और किंग। तो टोटल 5 कार्ड्स हमारे हो जाने चाहिए। तो आप लिखोगे टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू पॉसिबल आउटकम बोलोगे तो टोटल 5 कार्ड्स है तो उसके टोटल पॉसिबल आउटकम होंगे। उसके बाद हमें क्या दिया गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कार्ड इज क्वीन, क्वीन का कार्ड हो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो हम लिखते हैं सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ क्वीन कार्ड इज इक्वल टू 5। अभी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो आप बोलोगे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन कार्ड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम। तो आप लिखोगे सर यहाँ पे क्वीन कार्ड एक ही होगा डिवाइड बाय पॉसिबल आउटकम हमारा 5 है तो हमारा आंसर होगा 1/5। सेम वे सेकेंड स्टार्ट करते हैं, सेकेंड थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, शांति से समझना। इफ़ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, मतलब क्वीन को हमने क्या किया, क्वीन को निकाल दिया, तो अब पॉसिबल आउटकम कितने होंगे वो लिखते हैं। टोटल पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू 4 हो जाएंगे क्योंकि टोटल पहले 5 थे उसमें से अभी ये क्वीन भी निकल गई। तो आप बोलोगे सर अभी क्या दिखेगा, तो किंग, जैक, 10 और एस, तो 4 पॉसिबिलिटी है। उसमें से अभी वो बोलेंगे कि कौन सा पिकअप करना है वो पढ़ते हैं। तो उन्होंने बोला कि सर अभी आपको पिक करना है एस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पिकअप होना चाहिए एस। तो एस के लिए हम लिखते हैं सबसे पहले एस कितने होंगे, एक ही होगा तो हम लिखना शुरू करते हैं। आप बोलोगे सर लिखो टोटल नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे टोटल नंबर ऑफ एन एस इज इक्वल टू 1 है तो आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, कौन सा ढूंढना है, तो आप बोलोगे एस। एक बार पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम, 1/4 होगा क्योंकि 4 हमने ढूंढा हुआ है और 1 भी हमने पॉइंट लिखा हुआ है। फेवरेबल आउटकम होगा 1 और आप बोलोगे पॉसिबल आउटकम होगा 4। सेम वे आगे चलते हैं, तो क्वीन की बात कर रहे हैं। अभी जो बोला हुआ है कि सर ये बताओ आप क्वीन की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो बच्चा बोलेगा कि सर अभी आपने बोला कि क्वीन तो आपने साइड में रख दिया है, मतलब ड्रॉन असाइड, मतलब पहले ही सिलेक्ट करके उसको साइड में रख दिया है, तो क्वीन तो अंदर है ही नहीं, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है। तो इसका क्या आंसर होगा, ऑल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे, पॉसिबल आउटकम 4 होंगे और फेवरेबल आउटकम 0 होंगे। तो अभी हम लिखना शुरू करते हैं, यहाँ पे लिखा जाएगा टोटल पॉसिबल आउटकम है 4 एंड टोटल नंबर ऑफ क्वीन इज इक्वल टू 0। तो आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ तो होगा 0/4, मतलब 0। आप बोलोगे सर इट इज़ अ इम्पॉसिबल इवेंट, तो आप फिर से एक बार प्रॉपर समझा देता हूँ, टोटल पॉसिबिलिटी है आउटकम की कितनी, तो आप बोलोगे सर टोटल पॉसिबल आउटकम है 4, इसमें से क्वीन आने के चांस कितने हैं, तो 0 है। और तो आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम,
तो 0 डिवाइड बाय 4 करोगे तो होगा कितना, 0। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। हम बोल सकते हैं ये 15 हमारा ख़त्म हुआ। आपको शांति से ये पूरा लिख देना है, इसकी वजह से आप फिर से देखो तो आपको ईजी रहेगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।